गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित का जो पद और उसका अर्थ आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिया, अब मैं उसके आगे का पद और उसके अर्थ बताऊंगी। तो सुदामा कहते हैं, द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ जो आठम जाम यह जग तेरे, जाओ न कहो करिए तो बड़ो दुख जे यह कहा अपनी गति हेरे, द्वार खड़ी प्रभु की छरिया था भूपति जान न पावत नेरे, पांच सुपारो तय दिल चार कर भेंट को चारी न चाऊ नी न। तो इसमें आठों जाम मतलब आठों प्रहर, तो 24 घंटे में जो है आठ प्रहर होते हैं, तो आठ प्रहर में चार दिन के होते हैं और चार रात के। चार दिन के प्रहर में पूर्वाह्न मध्याह्न और अपराह्न, उसके बाद सायंकाल, और जो रात्रि के चार प्रहर होते हैं उसमें प्रदोष निषिद्ध त्रियामा और उषा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को आठों जाम मतलब आठों प्रहर के बारे में बताया। तो द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ जो, तो इसमें जो सुदामा की पत्नी द्वारा बार बार कहे जाने पर विवश होकर द्वारिका जाने को सुदामा तैयार हो जाते हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो वो कहते हैं कि द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ जो आठों जाम यही जग तेरे। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो द्वारिका जाने की आठों प्रहर तक रट लगा रखी है, जो न कहो करिए तो पढ़ो दो, यदि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूं तो तुमको बहुत दुख होगा। जैने कहा अपनी गति हेरे ना, और यदि तुम्हारी बात मानकर द्वारिका चला भी जाता हूं तो इसमें मेरी क्या स्थिति होगी, इसको तुम नहीं जानती हो। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण के महल के बाहर दंडधारी द्वारपाल खड़े मिलेंगे, उस जगह बड़े बड़े राजा भी सरलता से नहीं जा सकते हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा, इस स्थिति को केवल मैं ही जानता हूं। तो कहते हैं द्वार खड़े प्रभु के छरिया, छरिया अर्थात द्वारपाल या सिपाही ना, द्वार खड़े प्रभु की छरिया था भूपति जान न आवत नेरे, मतलब कि श्री कृष्ण के दरबार में वहां पे जो है द्वारिका में सिपाही जो द्वार पे खड़े रहेंगे और वहां पे अच्छे अच्छे राजा ऐसे नहीं जा सकते हैं ना, बड़े बड़े राजा भी सरलता से वहां नहीं जा सकते, तो मेरी क्या दिशा। पांचों सुपारी तय देख विचार कर भेंट को चार में जाओ मेरे, यदि यह भी नहीं जानती हो कि राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुदामा जी कहते पत्नी से कहते हैं कि राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है ना, कम से कम पांच सुपारी तो लेके जाना चाहिए, और यदि पांच सुपारी भी नहीं है तो भेंट के लिए चार चार चाव चाव अर्थात चावल, अगर घर में पांच सुपारी मतलब घर में पांच सुपारी भी नहीं है, तो अगर सुपारी भी नहीं है तो कम से कम चार मुट्ठी चावल तो होना चाहिए, सैनों से वह भी हमारे घर नहीं है, मतलब मुट्ठी भर चावल भी नहीं है, तो सोचो ऐसी दशा में वहां जाना कैसे संभव है। यह बात जो है सुदामा जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं। फिर यह सुन के तब ब्राह्मण गई पड़ोसन पास, यह सुनकर ब्राह्मणी जो है अर्थात सुदामा की पत्नी पड़ोसन के यहाँ जाती है और पाव से चावल लिए और उसमें पाव भर चावल उधार लेकर आई सहित उल्लास, उल्लास अर्थात उल्लास से ना, प्रसन्नता से उमंग से वह जो है आ गई। सिद्धि करे गणपति सुमित बांध दुपट्टा खूब, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण कर और अपने दुपट्टे के एक छोटे छोर में चावल रखकर तथा उसमें गांठ लगाकर ना, खूंट अर्थात दुपटिया खूंट अर्थात दुपट्टे में गांठ लगाकर मांगत खाट चले जहां मारत वाली बूट, और उसे कंधे पर रखकर मांग खाकर खाना हुए वे द्वारिका के मार्ग पर चल दिए।
पगान झगा तन में प्रभु जाने का आही बसे के ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी ना धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक रहो चक्षो वसुधा अभिनामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो कहते हैं कि शीश पगा पगा अर्थात पगड़ी ना, तो शीश पगा न झगा तन ना, तो शीश मतलब सिर पर ना पार पालने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु कोई एक अनजान व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर झगा अर्थात कुर्ता ही है, न जाने वह कौन है और किस गांव में रहता है, उसकी धोती जो है फटी हुई है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा भी चिथड़ा बना हुआ है, पाए पानक की नहीं सामा और उसके पैरों में जूते भी नहीं, पन नहीं ना, तो इसका पानक था पन नहीं या जूता, असामा अर्थात सामर्थ्य, उसके पैरों में जूते भी नहीं है, हे प्रभु द्वार पर एक इस प्रकार ना, इस प्रकार का एक अत्यंत दीन एवं कृशकाय ब्राह्मण द्वार खड़े द्विज द्विज अर्थात ब्राह्मण दुर्बल अर्थात कमजोर मतलब एक ब्राह्मण खड़ा है, तो हे प्रभु द्वार पर इस प्रकार का एक अत्यंत दीन कृशकाय ब्राह्मण खड़ा हुआ है, रहो चकिस वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल बुधा बतावत आपनो नाम सुदामा, वह दीन दयाल श्री कृष्ण अर्थात आपका भवन पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो वो कहते हैं कि बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी छाड़े राम काज ऐसे ही की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय कहे पाए भेंटत लटकाए गई ऐसे दुख साने को, नैन दो जल भार पूछत कुशल हरे विप्र बोलियो विपदा में मुहि पहचाने को, जैसी तुम करो ऐसी करें को कृपा सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीने सो माने को ना, तो इसमें जो है उस समय का वर्णन है जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर सुदामा के नाम को बताया तो श्री कृष्ण अपना राजकाज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास आकर सुदामा का नाम बताया और यह बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है द्वार पे आपका नाम पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण राजकाज को छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे, उस समय उनके हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर तथा दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाय गए पांव भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को, और उन्हें गले लगाकर उनकी दुख भरी दीन स्थिति को देखकर दोनों नेत्रों ने जल भरकर सुदामा की कुशल क्षेम कुशलता पूछने लगे। विप्र नयन दो जल भरी पूछत कुशल हरि ना, तो दोनों नेत्रों में जल भरकर उनकी कुशलता और कुशल क्षेम को पूछने लगे। विप्र बोलियो विपदा में मुहि पहचाने कौन, श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम पाकर सुदामा भाव विभोर होकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रभु इस विपत्ति काल में मुझे कौन पहचानता है अर्थात कोई नहीं, जैसी तुम करो तैसी करें को कृपा सिंह, जैसे जिस प्रकार से आपने मुझे सम्मान दिया और कुशल क्षेम पूछी इस प्रकार की प्रीति अर्थात प्रेम आपकी अतिरिक्त कौन कर सकता है अर्थात कोई नहीं, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीने दीनक सौ माने को ना, तो आप ही दीनों के बंधु हो ना, दीन बंधु हो दीनों की कुशल क्षेम पूछते हैं अन्यथा अन्य कोई नहीं, तो दीनों को और कोई समझता ही कहाँ है, आप ही उनको
समझने वाले हो ना। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी काख में रह कहो इन्हें आगे चना गुरु मान दिए ले लिए तुम चाबी हमें नहीं दोने दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीण पोटरी काख में चाबी हरे रहे तुम खेलत नानी सुधारस भीने पाछिल बानी अजम न तजी तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। देनो तो सो दे चुके विप्र न जानी अर्थात कहानी चलत बेल गोपाल तुम कछु न देनो। हाँ तो इसमें सुदामा जी जो है सुदामा की भेंट के समय अपनी पत्नी के हाथ से चार मुट्ठी चावल के दाने मतलब चावल जो देने के लिए आए थे देने के लिए उनको जो है जब देते हैं तो संयोगवश न दे सके तो श्री कृष्ण ने उनके कान में जो है छिपी हुई पोटली को देख लेते हैं। तो वो उनसे कहते हैं भाभी ने मुझे कुछ दिया है, तो वो छुपाते रहते हैं। तो अंत में जो है उनसे सुदामा जी श्री कृष्ण जी पूछ ही लेते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तुम क्या छुपा रहे हो। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है ना। तो कवि कहते हैं कि अर्थात नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से पूछा कि क्या मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट स्वरूप दिया है। तो वो कहती हैं कि जो हमारी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजा है आप उसको दे दो मुझे। तो कहते हैं कि मतलब कुछ बोलते नहीं सुदामा जी, सुदामा जी को तो उसको छुपाते रहते हैं क्योंकि केवल चावल लाए रहते हैं ना। तो सही भाभी द्वारा दी हुई भेंट की पोटरी को तू काफ में किस लिए छुपाए हुए हो, श्री कृष्ण जी कहते हैं। फिर श्री कृष्ण बचपन की एक घटना सुदामा जी को स्मरण कराते हैं और कहते सुनाते कहते हैं कि बचपन में जब हम तुम एक साथ पाठशाला में संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो गुरु माता जंगल से इधर अर्थात लकड़ी काटने के लिए हम दोनों को साथ में भेजा करते थे ना। और साथ ही में गुरु माता ने चबाने के लिए भुने हुए चने भी दिए थे तो उसको बांध कर वो तुमको दिए हुए थे। तो जब भूख लगे तो बोले थे कि तुम दोनों खा लेना, लेकिन तुमने मेरे साथ कपट किया और उनके दिए हुए चनों को चबा लिया। फिर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि कहते हैं कि हे मित्र तुम तो बचपन से ही चोरी की कला में निपुण थे, तुम कांख में दबी पोटली क्यों नहीं खोलते हो जिसमें अमृत रस से भीगे हुए चावल रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पिछली चोरी की आदत अभी तक छोड़ी नहीं है, इसलिए अपने मित्र से के दुखों को इसलिए अपने मित्र मित्र के दुखों को दूर करने के द्वारा भेजे गए चावल मतलब जो भाभी ने चावल भेजे हैं उसको नहीं दे सकते थे। वह तो उन्होंने बिना बताए ही करनी है, तो श्री कृष्ण ने जो कुछ भी दे सकते थे वह उन्होंने सुदामा जी को बिना बताए ही दे दिया था ना। उनको प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ नहीं दिया था मतलब हाथ उनके कुछ नहीं रखा था, लेकिन उनको जो अप्रत्यक्ष रूप में दे दिया था और जो चावल लाए थे उसको खा लिया था। फिर जो है अब मैं नेक्स्ट पद की व्याख्या या पद की अर्थ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।